ଆଜି ଏନ୍ଡିଏର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ତେବେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहेंगे सर? एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोकलुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े हैं। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। जदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।